अरे अरे, कहाँ चल दिए? मार्केट जा रहे हैं कोई अच्छा सा हेयर मास्क लेने के लिए। अच्छा, नहीं, ऑनलाइन देख रहे हैं। ओके ओके, ऑनलाइन भी नहीं देखना है, मार्केट भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बस छवि का ये वीडियो आप देख लीजिए। अगर छवि के इस वीडियो को आप फुल वॉच कर लिए, अच्छे से समझ गए, सब कुछ कर लिए, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे इस पैक को बना लिए, वैसे सॉरी इस हेयर मास्क को बना लिए, तो यकीन करें आपके बालों की गिरने की परेशानी जो है वो 100% 15 दिन में ही आपको कम दिखने वाली है। साथ ही साथ जो आपके रूखे सूखे बेजान से बाल है उसकी परेशानी आपको दूर होने वाली है। अच्छा, इचिंग की भी प्रॉब्लम है क्या? ओके, उसकी परेशानी भी दूर होने वाला है। अच्छा, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है? अरे बाबा, कैसे हेयर ग्रोथ होगा अगर आपके बाल गिर रहे हैं? यूं पकड़ते हो, यूं करते हो, बाल गिरते। रोज पति देव में और आप में इस बात के ऊपर बहस हो रही है कि पिल्लों के ऊपर किसके बाल है। अब भैया, मेरे बाल तो इतने बड़े हो नहीं सकते, तुम्हारे ही बाल है। ये परेशानी का भी सलूशन ये छवि लेकर के आई है, इसलिए आज का वीडियो देखना 100% मस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल छवि अश्विनी कुमार में, और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उससे तो क्लिक करना 100% मस्ट है, उसपे भी ऑल के ऊपर क्लिक करना 100% मस्ट है। इससे ये फायदे होंगे कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, मेरे इस चैनल पे ना मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आती हूँ। मैं खुद बहुत अच्छी हूँ ना, एकदम मैं खुद बहुत प्यारी हूँ, दुलारी हूँ, न्यारी सी हूँ, तो मैं कंटेंट भी बहुत प्यारे दुलारे और न्यारे से लेकर के आती हूँ। इसमें आपको प्रोडक्ट रिव्यू दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यू दिखते हैं, जो आप लोगों के डिमांड होते हैं उसी के रिव्यू करती हूँ। एक से एक आपको मिशो हॉल दिखता है, एक से एक मिंत्रा हॉल दिखता है, एक से एक आपको धांसू जो है प्रोडक्ट रिव्यू, और अब तो हेयर मास्क भी एक से एक मिलने लगे हैं, है ना? तो भैया, उसके लिए तो सब्सक्राइब करना बनता है ना, है ना? अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे ना मेरे इस वीडियो को। अच्छा, कर दिया क्या आपने? ओके, लाइक भी कर दिया, भूल गए। अच्छा, कर दिया क्या आपने? लाइक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, शेयर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और सब कुछ कर दिया तो थैंक यू सो मच। तो चलिए, देर नहीं करते, सुपर से भी ऊपर वाले इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए इस रेमेडी की थोड़ी तारीफ करनी तो बनती है। देखिए, ये जो हेयर मास्क है ना, ये मैं 15 दिन से गोल्डी के ऊपर ट्राई कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्लॉग में तो आपको दिख जाएगा गोल्डी के हेयर में लगाए हुए इस हेयर मास्क को, अगर मेरी किस्मत में रहा, है ना, कि गोल्डी रिकॉर्ड करने दी तो, है ना। बट अगर नहीं दिख पाया गोल्डी के हेयर पे, तो मेरे हेयर में तो पक्का दिख जाने वाला है, क्योंकि ये हेयर मास्क गोल्डी को मैं 15 दिन से ट्राई कर रही थी, क्योंकि आप सबको पता है गोल्डी को थायराइड प्रॉब्लम है, तो थायराइड जिनको होता है उनके हेयर फॉल तो भैया इतने होते हैं कि कुंभ करूं कि ना करूं वो सोचने लगते हैं, उनके समझ में नहीं आता है कि मैं कुंभ करती हूँ या करता हूँ तो मेरे बाल इतने गिरते हैं, कि मैं कुंभ नहीं करता हूँ तो भी मेरे बाल हर जगह गिरे होते हैं। तो गोल्डी के हेयर फॉल में मुझे बहुत फर्क दिखा है 15 दिन में। अब 15 दिन में 100% तो उसके हेयर फॉल खत्म नहीं हो गए। अगर मैं ये बोलूं कि 15 दिन में 100% हेयर फॉल खत्म हो गया, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, झूठ बात हो जाएगी। लेकिन गोल्डी के बहुत हद तक समझिए आप 30-40% हेयर फॉल कम हो गए हैं गोल्डी के। साथ ही बहुत तरह के हेयर ऑयल भी उसके ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ, वो सब भी आप सबके साथ धीरे धीरे मैं शेयर करने वाली हूँ। जहां तक मेरी बात है, तो मुझे ना हेयर फॉल की परेशानी है, ना मेरे रूखे सूखे बेजान से बाल है, क्योंकि मैं DIY हेयर ऑयल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और बहुत ज्यादा हेयर मास्क मैं अपने हेयर के ऊपर इस्तेमाल करती हूँ। बट गोल्डी नहीं करती थी, तो अब उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो ये जो हेयर मास्क है दोस्तों, इसको ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बना बनाया सब कुछ आपके घर में अवेलेबल है। अगर नहीं है तो लोकल मार्केट में तो इजिली अवेलेबल है, ऑनलाइन की भी आवश्यकता नहीं है आपको, लोकल मार्केट में अवेलेबल है। वैसे मैं जिसका इस्तेमाल करूंगी, मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पक्का प्रॉमिस वाला। ओके, तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है, वो लेना है एलोवेरा जेल। आप चाहे तो प्लेन ले सकते हैं, आप चाहे तो मेरे जैसा ले सकते हैं,
जो ये मैं मोस्टली जो एलोवेरा जेल जो गोल्डी के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ 10-15 दिन से, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हर्ब टॉनिक का एलोवेरा जेल, जिसके अंदर वो विटामिन सी भी होता है ना, यानी कि ऑरेंज भी जिसके अंदर होता है, लेमन जिसके अंदर होता है, इन दोनों में विटामिन सी है। तो जो विटामिन सी वाला एलोवेरा जेल है वो मैं यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो प्लेन एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट मैं ये गोल्डी के हेयर के ऊपर ये ट्राई कर रही हूँ। आप ऐसा कर सकते हो कि प्लेन एलोवेरा जेल ले सकते हो, उसके अंदर थोड़ा सा, जैसे कि मैं 3 स्पून एलोवेरा जेल ली हूँ, क्योंकि गोल्डी के लिए 3 स्पून काफी मुझे लगा है, क्योंकि ये हेयर मास्क के तौर पे नहीं लगाना है, इसको कैसे लगाना मैं आगे आपको बता दूंगी, ठीक है ना। तो 3 स्पून मैं ये ले ली हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, 3 स्पून एलोवेरा जेल लेकर के उसके अंदर 1 स्पून या तो ऑरेंज जूस या फिर 1 स्पून लेमन जूस आप ऐड कर सकते हो, तो हो गया आपका एलोवेरा विद विटामिन सी। ओके, समझ में आ गया। ओके, आपके बाल को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है, आपके बाल जो रूखे हैं, सूखे, बेजान है, झाड़ू जैसे हैं, उसकी परेशानी को दूर करता है। अगर आप मेहंदी लगाते हो ना, तो आपके बाल थोड़े से ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, अगर आप कलर करते हो तो भी आपके बाल थोड़े ड्राई होने लगते हैं, तो उन सब की परेशानी में भी ये हेयर मास्क जो है बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है दोस्तों। 3 स्पून गोल्डी के मीन्स गोल्डी के लेंथ के हिसाब से काफी है, आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए, कितना भी बड़ा बाल हो ना, इतने बड़े बाल हो, कितने भी घने हो, तो भी 6 स्पून एलोवेरा जेल काफी है, उसे ज्यादा लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। वैसे आप देख लीजिए कि आपको कितना लेना है, ठीक है। सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ वो है कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हो, कोई भी, मेरे पास मैक्स केयर का जो है आपको एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल है, तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास पैरासूट कोकोनट ऑयल हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपकी मर्जी कि आपको कौन सा इस्तेमाल करना है। मैं मैक्स केयर इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, स्किन के लिए भी, हेयर के लिए, दोनों के लिए मैक्स केयर बहुत 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 बेहतरीन है। जो एक्स्ट्रा वर्जन होते हैं ना, वो ओरिजिनल होते हैं और इसके ऑथेंटिक होते हैं, इसके अंदर कुछ भी ऐसा केमिकल वगैरह नहीं रहता है, तो हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और वैसे भी आप सबको पता है कि कोकोनट ऑयल हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, हमारे अगर हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल की परेशानी है उसमें काम करता है, अगर आपको इचिस टाइप की परेशानी है उसमें काम करता है। साथ ही साथ एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल का जो कॉम्बिनेशन है आपस में बहुत अच्छा है, जो कि रफनेस, ड्राइनेस और जो स्प्लिटेंस की परेशानी है उन सब में भी ये काम करता है। जो कोकोनट ऑयल मैं ले रही हूँ दोस्तों, वो मैं ले रही हूँ 2 चम्मच यानी 2 स्पून। अब जो दोस्तों इसके अंदर मैं थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करी, वो ऐड करी हूँ कर्ड यानी कि दही। अब दही 2 दिन पुराना हो तो अति उत्तम, अगर 2 दिन पुराना ना हो, 1 दिन पुराना हो तो उत्तम, और अगर सेम डे का हो तो भी उत्तम ही उत्तम, कोई टेंशन की बात नहीं है, एज यू विश, ठीक है। दही, आप सबको पता है डैंड्रफ की परेशानी, अगर आपको हल्के फुल्के हेयर में डैंड्रफ है उसकी परेशानी में दही बहुत ज्यादा काम करता है। साथ ही साथ आपके हेयर को ना नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, दही के अंदर नेचुरल कंडीशनर वाले क्वालिटी भरपूर मात्रा में होते हैं, तो जितना हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल है उतना ही हमारे हेयर के लिए भी बेनिफिशियल है। तो जो आपके ड्राई, डैमेज, रफ हेयर है ना, उसकी परेशानी में भैया ये जो दही है ना कमाल करने वाला, तो दही मैं ले रही हूँ 3 स्पून। अब जो दोस्तों इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, वो ऐड कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। अच्छा हाँ, दही का पानी ना ले, दही का जो वो थिक पार्ट होता है ना वो ले ले। अब ऐड कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। अरे यार, मुल्तानी मिट्टी तो आप बोल के ना मुझे टेंशन दे देते हो, मैं तो चेहरे में इसे लगाती हूँ, मैं हेयर में लगाऊंगी, मेरे तो हेयर व्हाइट हो जाएंगे, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, क्योंकि मेरी स्किन सफेद हो जाती है तो मेरे बाल सफेद हो जाएंगे ना, नहीं होंगे, छवि है ना, डोंट वरी, मैं हूं। ओके, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल आज से नहीं, सदियों से किया जाता है, इस ज्ञान को मैं हर वीडियो में नहीं बोलूंगी, बस बोल रही हूँ कि मुल्तानी मिट्टी आप आराम से ऐड कर सकते हो, आंख बंद करके ऐड कर सकते हो, आपके बालों को कोई भी हार्म नहीं करने वाला है, यकीन करें, कमाल नहीं ये हेयर मास्क मचा दिया ना, धमाल आपके हेयर में नहीं मचा दिया ना, पॉजिटिव वे में। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि छवि ये कमाल नहीं किया। अब बहुत को तो भैया देखो, उनको अगर हीरा का हार दे दिया जाए तो भी हीरा के हार में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते, मम्मा तुमने मुझे ये हीरा का हार तो दिया,
इससे बेटर दे सकती थी, इसके पैटर्न थोड़े अच्छे नहीं है, इससे बेटर पैटर्न ले सकती थी, इसी बजट में और भी मिल सकता था। तो भैया अगर कमी निकालने की आदत है तब तो वो आदत तो रहने ही वाली है। बट ये वाकई हेयर मास्क बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा देने वाला है, तो ट्राई करें। 15 दिन के बाद ही कमेंट करें, बट ट्राई करने के बाद ही कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। ओके, तो मुल्तानी मिट्टी आपको ले लेना है 2 स्पून। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है नीम पाउडर। नीम पाउडर तो आप सबको पता है भैया, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए कमाल है। अगर आप आपके आपको पता नहीं चलता, आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपके स्कैल्प में जो है ना खुजली क्यों होती है, तो एक तो ड्राइनेस के कारण, अगर आपका स्कैल्प ड्राई हो गया है तो। दूसरा, अगर आपके अगर आप कलर करते हो या फिर मेहंदी लगाते हो, अगर आप कलर करते हो और मेहंदी लगाते हो, तो कलर और मेहंदी से भी ना आपके हेयर में कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े से रिएक्ट कर जाते, छोटे छोटे दाने हो जाते, जिसके कारण खुजली और रैसेज शुरू हो जाती है। और खुजली और रैसेज है तो भैया आपके हेयर फॉल भी होने लगेंगे, तो उसकी परेशानी में ये कमाल का इफेक्ट करता है, कमाल दिखलाता है। ओके, अब आपको नीम पाउडर कितना ले लेना है, नीम पाउडर ले लेना है 2 स्पून। अब आपको इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, सुपर तरीके से, डुपर तरीके से अच्छे से मिक्स करना है, एकदम अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको लग रहा है कि ना थोड़ा पैक बहुत ज्यादा थिक हो गया, ये पैक कैसा बनाना है, आपको पतला नहीं बनाना है, कैसे फेस पैक बनाते हैं ना वैसे गाढ़ा बनाना है। ओके, तो आप फिर से दही और ले सकते हैं, अच्छा सा एक पैक बना ले। और पैक बनाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप सार लेने जाने वाले होते हो ना, जिस दिन शैम्पू करना होता है आपको, अगर आपको मेरे जैसी आदत है हफ्ते में 3 बार शैम्पू करने की, तब तो अति उत्तम। बट अगर आप हफ्ते में 1 बार शैम्पू करते हो, तो हफ्ते में 1 ही बार लगा ले। जब आपको लगता है कि अच्छा अभी आपको 10 बजे जाना है शैम्पू करने, तो 9 बजे इसको आप लगा के खत्म कर ले। आपके हेयर में एटलीस्ट 45 मिनट्स रहना चाहिए, तो 9 बजे लगा ले, 45 मिनट इसको अपने हेयर में लगे रहने दे। आपको लगाना कैसे है दोस्तों, पूरे हेयर में नहीं लगाना है इसको, आपको इसको स्कैल्प में लगाना है। जैसे कि आप लिए, जैसे कि आप मान लो फॉर एग्जांपल आप ये मास्क ले लिए, हेयर मास्क ले लिए, और आपको ऐसे लगाना है, कैसे ऐसे लेना है और पूरे स्कैल्प में लगाना है आपको, कुछ इस तरह से लेना है, यहाँ लगाना है, कुछ इस तरह से यहाँ लगाना है, यानी कि ये जो है ना आपको अपने स्कैल्प में लगाना है, आपको हेयर में नहीं लगाना है। आप हेयर में भी लगा सकते हो, बट मेन ये काम करता है स्कैल्प में, अगर आप लगाते हो तो और भी ज्यादा अच्छे से काम करता है। अगर आपको लग रहा है ज्यादा है, तो आप हेयर में भी कुछ इस तरह से लगा लीजिए और कुछ इस तरह से अपने हेयर में लगा लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं, थोड़ी ये हेयर में खराबी करने वाला है पहले, लेकिन प्रेफर करें कि पहले स्कैल्प में लगाए फिर बाद में हेयर में लगाए। 45 मिनट्स रखना है, 45 मिनट्स के बाद क्या करना है, आप चाहे तो उस दिन शैम्पू कर सकते हैं, आप चाहे तो उस दिन वैसे ही जो है अपने हेयर में मीन्स नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर ले अपने हेयर को, और आप शैम्पू ना करें, दोनों तरह के ऑप्शन दे रही हूँ। बट अगर आप मुझसे पूछते हो कि गोल्डी और मैं क्या करते, तो भैया शैम्पू करते हैं, 45 मिनट्स के बाद जाते हैं, पहले अच्छे से ठंडे पानी से हेयर को वॉश कर लेते हैं, और उसके बाद जो भी मेरा फेवरेट शैम्पू है उससे शैम्पू कर लेते हैं। जहां आप शैम्पू करते हो दोस्तों और कंडीशनर लगाते हो, उसके बाद अपने हेयर में सीरम लगाते हो, उसके बाद आप देखते हो कि आपके बाल कितने ज्यादा, फर्स्ट वॉश में ही आपको आपके हेयर में फर्क दिखने वाला है। जहां तक अगर आप मुझसे पूछते हो, तो हफ्ते में अगर 2 बार इस हेयर मास्क का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप हफ्ते में 1 बार हेयर वॉश करते हैं तो कोई बात नहीं है, हफ्ते में 1 बार ही इस हेयर मास्क का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जहां तक इसको लगाने की उम्र की बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपके बच्चे को खराबी करे, फिर भी छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे होते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र हो गई है 10 साल की, तो आराम से इस हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 1 बार, उससे ज्यादा बच्चे को लगाने की आवश्यकता नहीं है, 1 बार में ही कमाल करने वाला है। तो मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कुछ बताना रह गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।